हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, यह है सेंसेवेरिया का प्लांट और मैं इनकी कटिंग लगाना बताऊंगी कि किस तरह से हम इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये भी इन्हीं की एक वैरायटी है जो बहुत ही आसानी से लग जाती है। इनकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी लंबी होती हैं तो ये परमानेंट हैं, बहुत ही बढ़िया से चल जाते हैं और कई वैरायटी में होते हैं, लेकिन मेरे पास बस एक ही वैरायटी थी। तो अभी जल्द में मैं नर्सरी से इन्हें लेकर आई हूँ। ये वेरीगेटेड बहुत ही प्यारे प्लांट हैं और इनकी हाइट बहुत ही कम होती है। छोटे छोटे प्लांटर में ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इनसे और भी कई प्लांट हम तैयार करें। तो इनकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों, और आप किसी भी छोटे बड़े पॉट में इन्हें लगाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सेकुलेंट है और इन्हें हम बार बार पानी नहीं दे सकते हैं। अगर बार बार पानी देते हैं कटिंग लगाने के बाद ना, तो जहाँ से रूट्स तैयार होती है वो जगह जो है गलने लगती है, जिनकी वजह से हमारा जो कटिंग होती है बिल्कुल सड़ जाती, बेकार हो जाती। इसलिए पानी का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो अगर हम मिट्टी की बात करें ना दोस्तों, तो मिट्टी मैं इनके लिए बिल्कुल बेलडन बनाई हूँ। इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है और जिस पॉट को आप देख रहे हैं इसमें होल भी बना हुआ है। तो बस छोटा सा गमला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही छोटा सा गमला, और इसी में मैं इनकी कटिंग लगा के छोड़ दूँगी। और जब कटिंग लग जाती है दोस्तों ना, तो कटिंग निकालूंगी लेकिन फिर भी मैं इसी में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये जो सेंसेवेरिया आप देख रहे हैं, इनकी हाइट बहुत ही कम होती है, बिल्कुल फूल की तरह लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इन्हें अपने गार्डन में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, आप इनकी पत्तियों से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। वैसे कुछ दिन बाद जब इनकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होंगी ना दोस्तों, तो ये जड़ से भी नए नए प्लांट तैयार करते रहेंगे। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग करके जो है अलग अलग गमले में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम छोटी छोटी पत्तियाँ इनकी लेंगे। अभी तो बहुत ही छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, कुछ दिन बाद ये गमला पूरी तरह से भर जाएगा। ये देखिए, इनकी पत्तियाँ निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इस तरह से थोड़ा सा ले लेते हैं। तो दोस्तों, सेंसेवेरिया की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ एक ही वैरायटी का प्लांट लगा, तो भी मैं दो पत्तियाँ मांग कर लाई थी और इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछिए मत, इस तरह से। तो जब मैं इसे लाई ना, तो मैंने सोचा कि चलिए और भी कई प्लांट तैयार करूँ। थोड़ा समय लगेगा, 20-25 दिन लग जाएगी इनकी कटिंग लगने में। और बरसात का मौसम चल रहा है, तो इन्हें लगाने के बाद हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बारिश का पानी इन्हें ना मिले। और हाँ, अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है हल्की हल्की ना, तब इनके ऊपर जो है पानी का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो है इनकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे। क्योंकि बार बार पानी देंगे तो कटिंग नहीं लगेगी, ख़राब हो जाएगी। और धूप की अगर हम बात करें दोस्तों ना, तो धूप जो है हमें बस एक घंटे की दिखानी है, एक घंटे की धूप, बाकी समय छाँव होना चाहिए। और वैसे भी जब लग जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। इस तरह से हमने इनकी कटिंग लगा दी। तो दोस्तों, जो स्नेक प्लांट की कटिंग हमारी तैयार हो गई है, उसको मैं इसी गमले में लगाऊंगी। और बारिश के पानी की वजह से मिट्टी गीली हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं, इसी में लगा के छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद देखिएगा स्नेक प्लांट की एक और कटिंग जो है पौधे के रूप में तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, गीली हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि मिट्टी हमारी बिल्कुल फोरस है, इसमें कंपोस्ट डाल के मैं इसे छोड़ दी थी और ये गमला ऐसे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इनकी कटिंग इसमें लगा देती हूँ। होल भी बना हुआ है ताकि पानी खड़ा ना रहे, पानी अगर खड़ा रहेगा तो प्लांट कोई भी हो ख़राब हो जाएगा। समय समय से धूप है और पानी है, खाद है, ये सब प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, तभी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और हम एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। लोग कहते हैं स्नेक प्लांट लगाने के बाद घर में सांप नहीं आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ एक बार आ चुका है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना दोस्तों पौधे लगाने में, कि अगर हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो मन को सुकून भी मिलता है। अगर कोई जैसे चिंता होती है मन में, अगर हम इनके पास चले जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बिना कहे ही समझ जाते हैं, अच्छा लगता है। और अगर हम एक पौधे में काम करना शुरू कर दें तो ये काम बढ़ता ही जाता है गार्डन में। ये देखिए, ढेरों जड़ें जो है तैयार हो चुकी है। तो जानकारी मुझे भी नहीं थी प्लांट लगाने की, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब में देखा ना, तो धीरे धीरे मुझे भी जानकारियाँ होने लगी। अब मेरे छत पे जो है बहुत ही सुंदर सुंदर, ज़्यादा तो नहीं है फिर भी हैं पौधे, अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है पेड़ पौधा लगाना। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी खाली समय हो, गप सबसे अच्छा है कि हम छोटा सा गार्डन बना लें, बहुत ही प्यारा है और शुद्ध हवाएँ भी मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है, फिर उसके बाद जो आँखों की रोशनी में भी बढ़ोतरी होती है। खाली समय हमारा जो है इनमें लग जाता है, कुछ ज्ञान भी मिल जाता है ना।
तो इस तरह से मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगा दी दोस्तों, और जब ये कटिंग हमारी तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।